अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम लैब वेंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जूनियर इंजीनियर का 2019 का पेपर हुआ है, उसमें भी आ चुका है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन फोर पोल टू लेयर सिंप्लेक्स लैब कनेक्टेड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग डी सी जनरेटर विद अ कम्यूटेटर सेगमेंट तो हैविंग अ 12 कम्यूटेटर सेगमेंट विद अ बैक पिच विल बी। तो हमें ये एक फोर पोल टू लेयर सिंप्लेक्स वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर, तो उसके कम्यूटेटर सेगमेंट है वो 12, हैविंग अ 12 सेगमेंट, तो इसके हमने बैक पिच को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है, सबसे पहले हमने इसकी पोल पिच निकालनी है। तो पोल पिच कैसे निकली, पोल पिच विल बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर या नंबर ऑफ द सेगमेंट्स, ये एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर या फिर नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो 12 सेगमेंट्स हैं ये, तो इसको नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को या नंबर ऑफ सेगमेंट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह नंबर ऑफ पोल्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ दी हमारे पास जो सेगमेंट्स बन रहे थे या नंबर ऑफ कंडक्टर जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 12, 12 डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ पोल हमारे पास 4 दिए हुए हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो पोल पिच आ जाएगी उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। पोल पिच विल बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पोल्स, 12 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इज इक्वल टू 3। तो पोल पिच की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो दूसरा उसने हमें यह कहा हुआ कि टू लेयर सिंप्लेक्स कनेक्टेड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, टू लेयर मीन्स इसको जो पोल पिच हमारी निकली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोल पिच की जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी टू लेयर सिंप्लेक्स वाइंडिंग के साथ जो बन जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो इस तरह होगा ये, फॉर टू लेयर सिंप्लेक्स लैब कनेक्टेड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो उसने टू लेयर, यहाँ से क्वेश्चन में हमें उसने टू लेयर का कहा हुआ है, टू लेयर लैब कनेक्टेड। तो कैसे होगा, तो उसको हम जो पोल पिच की वैल्यू निकली उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में टू लेयर सिंप्लेक्स का कहा हुआ है। तो 2 × 3 जो हमारे पास टू पोल पिच जो बन जाएगी उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पोल्स या फिर नंबर ऑफ सेगमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पोल्स विल बी इक्वल टू, तो ओवरऑल जो हमारे पास पोल पिच आ जाएगी विद टू लेयर सिंप्लेक्स वाइंडिंग के साथ जो हमारी पोल पिच बन जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो हमने जो क्वेश्चन में जो फाइंड करना था दी बैक पिच विल बी, तो बैक पिच हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग नोट दैट द वाई बी इज अ बैक पिच एंड वाई एफ इज अ फ्रंट पिच शुड बी, फ्रंट पिच शुड बी ऑड एंड डिफर बाय द टू और मल्टीपल फिट। तो हमारे पास हमें पता है जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है जो बैक और फ्रंट है ऑड एंड की वैल्यू ऑड के अंदर हमारा आंसर आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ इट 2 और मल्टीपल ऑफ इट, ठीक है जी। तो वाई बी इज अ बेसिकली बैक पिच एंड वाई एफ इज अ फ्रंट पिच, तो वाई बैक पिच की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रंट पिच की जो वैल्यू आ जाएगी वाई एफ इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई पी माइनस वन, तो उसमें जो 6 - 1 करेंगे तो 5 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह दो जो बैक पिच की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास वाई बी इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई पी प्लस वन, तो इसमें प्लस वन किया इसमें हमने माइनस वन किया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बैक पिच की 7 आ जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी काइंडली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।